हेलो फ्रेंड्स, आज हम कई मंदिरों का दृश्य आपको दिखा रहे हैं और आज है 9 दिवसीय, 10 पूजा होती है पर 9 रात्रि कहते हैं इसको। तो आज दूसरे दिवस का पूजन चल रहा है मंदिरों में और आज माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये देख लें, ये थाना के से निकलते ही जो सामने मंदिर पड़ता है और उसके बगल से थाना चौक को जाने वाला रास्ता है, उसी मंदिर का ये दृश्य आप देख रहे थे। और पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें बिल्कुल बगल में हैं, इसलिए कोई ख़ास चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ और पूजा अर्चना करें। और ये मध्य बाज़ार में स्थित एक खूबसूरत सा दृश्य प्रस्तुत करता, ये छोटा ही मंदिर है पर अच्छा खासा सुंदरता और सौंदर्य बिखर रहा है। सप्तमी, अष्टमी, नौवीं और दसवीं आप इन स्थलों का भ्रमण कर मेले का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। और इनके सामने दुकान देख लें, ये सभी दुकानें इस मां के मंडप के सामने हैं। और आप देख रहे हैं दृश्य है विद्यालय के प्रांगण मंदिर का और श्रद्धालुओं की भीड़ देख कर आप आश्चर्य न करें। सभा भाव से सभी एक साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और पाठ का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ भी मेला जब लगता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप नौवीं दसवीं को यहाँ भ्रमण कर सकते हैं। और मंदिर के सामने स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि खाली मैदान, कितना बड़ा मैदान है। और इसमें जब लोग आते हैं बड़ी संख्या में तो अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। तो यदि आप चाहें तो नौवीं अष्टमी या विजयादशमी को यहाँ का भ्रमण कर यहाँ के मेले का आनंद उठा सकते हैं। यह कुशाहा मध्य विद्यालय का परिसर पड़े उसी मध्य विद्यालय में पर सड़क किनारे मंदिर स्थित है। कोई पूजा अर्चना करना हो तो उसे मंदिर है, अन्य भी आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और खूबसूरत सा खास परिस्थिति में आपके समक्ष दिखा था। और ये जब आप कुशाहा मध्य विद्यालय से आगे बढ़ेंगे बाजार की ओर तो माँ ब्रह्मडाकिनी के पावन स्थल के बगल में छोटा मंदिर बना है और अस्थाई मूर्त है, इसलिए आप अन्य जगह मूर्त नहीं पाएंगे पर यहाँ बिल्कुल सीमेंट के सहारे मूर्त बना दी गई है। तो यहाँ का दृश्य आप देखें दूसरे दिवसीय माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप के पूजन का। और अब आप पहुँच गए हैं करीमनगर, मोदीनगर बाजार के बगल में है और यहाँ का दृश्य देखें, श्रद्धालुओं में भक्ति की कहीं कमी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ भी आप आ सकते हैं नौवीं दसवीं दर्शन को और यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ आपको मिलेगी। तो फिर अपने सामानों की सुरक्षा करें, अपने जेब की सुरक्षा करें, अपने मोबाइल की सुरक्षा करें, वरना भाई लोग ऐसे मेले का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखें श्रद्धालुगण बैठ रहे हैं और अब यहाँ पे पूजा अर्चना आरंभ होने वाली है। और ये हवन कुंड जहाँ पर माँ के समक्ष हवन किया जाता है और उसी परिसर में ये छोटे मंदिर हैं और करीमनगर का पंचायत सचिवालय भी है। और सामने सड़क जो गई है उस सड़क के किनारे दुकानें भी हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आते हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनों के मध्य और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छे अच्छे दृश्य दिखा पाएँ। और ख़ासकर दुर्गा पूजा का हम काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, अन्य जगहों से दूर दूर भी हम जाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना भरपूर मनोरंजन कर पाएँ दृश्य देखकर और घूमने भी जा पाएँ, इसकी जानकारी भी हम देंगे।